नमस्कार साथियों, तो हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के बारे में। तो इसमें अभी तक हम लोग 20 चैप्टर ख़त्म कर चुके हैं। आपका 20वां चैप्टर था संग्रहालय, उत्तर प्रदेश में जो भी आपके महत्वपूर्ण संग्रहालय हैं उन्हें हमने देखा था। इसमें बात करने वाले हैं हम लोग शिक्षा के बारे में। किसके? शिक्षा के बारे में। याद रखिए आप लोग कि शिक्षा से पहले आपके जितने भी चैप्टर ख़त्म हो गए वो सभी उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के नाम से जो आपकी प्लेलिस्ट सूची है उसी में डले हुए हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश की हम लोग शिक्षा की व्यवस्था देखते हैं। शिक्षा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश भारत में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 69.72% है, जिनमें पुरुष साक्षरता दर 79.24%, महिला साक्षरता दर 59.26% है। ठीक है, कुल साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में 29वां स्थान है। पुरुष साक्षरता दर के मामले में प्रदेश का 28वां और महिला साक्षरता दर में 31वां स्थान है। याद रखिए 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, प्रदेश की शिक्षा प्रणाली कोठारी आयोग की संस्तुतियों पर आधारित है। किसकी? कोठारी आयोग की संस्तुतियों पर आधारित है। सर्वप्रथम ब्रिटिश शासकों ने 1858 में मेयोर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद के तहत आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत की। सन 1921 में एक अधिनियम के तहत विश्वविद्यालय शिक्षा को अलग करके माध्यमिक स्तर की शिक्षा हेतु शिक्षा विभाग की स्थापना की गई। कब? 1921 में। सन 1972 में शिक्षा निदेशालय को प्राथमिक माध्यमिक उच्च स्तर पर विभक्त किया गया। सन 1981 में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद तथा सन 1985 में राज्य बेसिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। याद रखिए प्रदेश में 10 वर्षीय स्कूली शिक्षा एवं विश्वविद्यालय स्तर पर पहुंचने के पूर्व 2 वर्ष इंटरमीडिएट शिक्षा का प्रावधान किया गया है। स्वतंत्रता के पूर्व, कब? स्वतंत्रता के पूर्व राज्य में केवल 5 विश्वविद्यालय 16 महाविद्यालय संचालित थे, जिनकी संख्या वर्तमान में क्रमशः 30 और 2040 हो गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी, लेकिन सन 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा इसे मिल गया। प्रदेश में तकनीकी और प्राविधिक एवं चिकित्सा शिक्षा की भी समुचित व्यवस्था की गई है। ठीक है, शोध संस्थानों की बात करें तो क्या है? इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर आपका लखनऊ में है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट आपके लखनऊ में है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पिलियो वॉटनी ये भी आपकी लखनऊ में है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट आपकी लखनऊ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट आपका लखनऊ में भी है, लखनऊ में ही है, इंडियन टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर आपका ये भी लखनऊ में ही स्थित है। ठीक है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की बात करें हम लोग वह स्थापना वर्ष की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इसकी स्थापना हुई 1887 में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में इसकी स्थापना हुई थी 1916 में, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1921 में स्थापना हुई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ इसकी 1989 में ठीक है स्थापना हुई। याद रखिए आगे हम लोग बात करते हैं लखनऊ विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 1921 में हुई, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आगरा विश्वविद्यालय 1927 में स्थापना हुई, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में 1957 में इसकी स्थापना हुई, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है इसकी स्थापना 1958 में हुई,
छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर में है, इसकी स्थापना 1965 में हुई। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, 1965 में इसकी स्थापना हुई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी में है, इसकी स्थापना आपकी 1974 में हुई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। महात्मा ज्योतिबा फूले रोहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली में है, 1975 में इसकी स्थापना हुई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय फैजाबाद में है, इसकी स्थापना आपकी 1975 में हुई। वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर में है, इसकी स्थापना 1987 में हुई। गौतम बौद्ध विश्वविद्यालय नोएडा में 2002 में इसकी स्थापना हुई। मानवर श्री काशीराम जी उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ में, इसकी स्थापना आपकी 2010 में हुई। ठीक है, फिर बात करते हैं हम लोग कृषि विश्वविद्यालय। तो चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका कानपुर में है, इसकी स्थापना 1974 में हुई। दूसरा है आपका नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय फैजाबाद में है, इसकी स्थापना भी 1974 में ही हुई। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में 2004 में इसकी स्थापना की गई। आपका चिकित्सा विश्वविद्यालय छत्रपति साहू जी महाराज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2004 में की गई। प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 2001 में इसकी स्थापना की गई। महामाया प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय नोएडा में है, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी। विधि विश्वविद्यालय की बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में है, इसकी स्थापना आपकी 2005 में की गई थी। ठीक है, याद रखना। डीम्ड विश्वविद्यालय दयाल बाग एजुकेशनल शिक्षण संस्थान दयाल बाग आगरा में है, यह आपका 1981 में इसकी स्थापना हुई। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर बरेली में 1983 में इसकी स्थापना हुई। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में है, 1989 में इसकी स्थापना हुई। इलाहाबाद एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट नैनी इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना आपकी 2000 में हुई। भातखंडे म्यूजिक इंस्टीट्यूट लखनऊ में है, इसकी स्थापना 2000 में हुई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद, इसकी स्थापना भी आपकी सन 2000 में हुई। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलाहाबाद, इसकी स्थापना सन 2000 में हुई। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्वेद संस्थान लखनऊ में 2002 में इसकी स्थापना की गई। संतोष यूनिवर्सिटी गाजियाबाद 2004 में इसकी स्थापना हुई। सोवित विश्वविद्यालय मेरठ 2005 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, आगे बात करें पुनर्वास विश्वविद्यालय। तो ये डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 2008 में इसकी स्थापना की गई। मुक्त विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन विश्वविद्यालय इलाहाबाद में 2004 में इसकी स्थापना की गई। पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान आपका मथुरा में है, 2001 में इसकी स्थापना की गई। ठीक है, फिर है आपका कुछ निजी हैं, निजी विश्वविद्यालय एमडी विश्वविद्यालय नोएडा 2005 में बना। बाबू बनारसी दास विश्वविद्यालय लखनऊ में है, 2010 में इसकी स्थापना हुई। गलगोटिया विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा 2011 में इसकी स्थापना हुई। GLA विश्वविद्यालय मथुरा 2010 में इसकी स्थापना हुई। IFTM विश्वविद्यालय मुरादाबाद 2010 में इसकी स्थापना हुई। इंटीग्रल विश्वविद्यालय लखनऊ 2004 में इसकी स्थापना हुई। इनवर्टिस विश्वविद्यालय बरेली 2010 में इसकी स्थापना हुई। जगतगुरु रामभद्राचार्य विकलांग विश्वविद्यालय चित्रकूट, इसकी स्थापना आपकी 2002 में हुई। मंगल यातन विश्वविद्यालय अलीगढ़, इसकी स्थापना 2006 में हुई। मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय रामपुर में है आपका, इसकी स्थापना भी आपकी 2006 में हुई। शारदा विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में है,
इसकी स्थापना आपकी 2009 में हुई। स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय मेरठ, इसकी स्थापना सन 2008 में। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय गजरौला, इसकी स्थापना आपकी 2010 में हुई। तीर्थकर महावीर विश्वविद्यालय मुरादाबाद, सन 2008 में इसकी स्थापना की गई। उत्तर प्रदेश महर्षि महेश योगी सूचना प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लखनऊ में है आपका, सन 2001 में इसकी स्थापना की गई। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रीय महत्व के संस्थान। तो पहला है आपका भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में, भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ, मोती नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका इलाहाबाद में, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान आपका रायबरेली, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आपका वाराणसी में, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान आपका इलाहाबाद, नेशनल शुगर रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में है, नॉर्दर्न रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी इलाहाबाद में है, सेंट्रल पल्प एंड इंस्टीट्यूट सहारनपुर में है, सेंट्रल टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट आपका कानपुर में है, क्लॉथ रिसर्च इंस्टीट्यूट आपका गाजियाबाद में है। अब कुछ शासकीय जो आपके संस्थान हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। राजकीय वास्तुकला विश्वविद्यालय विद्यालय आपका लखनऊ में है, राजकीय अभिलेखाकार लखनऊ तथा इलाहाबाद में है, राजकीय संग्रहालय लखनऊ मथुरा तथा झांसी में भी है, राज्य पुरातत्व विभाग अपना लखनऊ में है, राज्य संग्रहालय आपका लखनऊ में है, सांस्कृतिक कार्य निदेशालय लखनऊ में, भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय आपका लखनऊ में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला हुआ है, क्षेत्रीय अभिलेखाकार आपका वाराणसी में है। ठीक है, याद रखिए ये हैं आपके अशासकीय संस्थान। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी आपकी लखनऊ में, भारतेंदु नाट्य अकादमी आपकी लखनऊ में है, प्रयाग संगीत समिति आपकी इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश संस्कृत अकादमी आपकी लखनऊ में, राज्य ललित कला अकादमी आपकी लखनऊ में। ठीक है, ये अशासकीय संस्थान है आपके। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में राज्य की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में तथा उनके जो लक्ष्य हैं उनके बारे में। अनौपचारिक शिक्षा योजना सामाजिक आर्थिक कारणों से प्राथमिक शिक्षा से वंचित बच्चों को प्राथमिक स्तर तक की पढ़ाई पूर्ण कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। फिर आपका बेसिक शिक्षा परियोजना सेकंड, कम साक्षरता दर वाले जिलों में साक्षरता प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित है। बेसिक शिक्षा योजना सेकंड, अविकसित क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना। अगला है सर्व शिक्षा योजना शत प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने हेतु विशेष प्रयत्न। फिर आपकी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम फर्स्ट, प्रदेश के सभी वर्गों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। फिर आपका जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम सेकंड, साक्षरता दर में वृद्धि करना इसका उद्देश्य है। शिक्षा मित्र योजना प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी को पूरा करना। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना प्राथमिक विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना। कल्प शिक्षा योजना प्राथमिक विद्यालयों में आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण करना। शिक्षा गारंटी योजना असेवित गाँव में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करना। ये आपकी शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं थी। ठीक है, ये है आपका कुछ वन लाइनर में क्वेश्चंस और उनके आंसर दिए गए। ठीक है, जो कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेते हैं। कुछ साक्षरता की दृष्टि से कुल साक्षरता की दृष्टि से राज्य का देश में कौन सा स्थान है? 29वां। सर्वप्रथम ब्रिटिश शासकों ने 1858 में म्यूर सेंट्रल कॉलेज आपका इलाहाबाद के तहत आधुनिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना आपकी 1887 में हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में इसकी स्थापना 1916 में की गई थी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर में इसकी स्थापना 1957 में की गई। चौधरी चरण सिंह विद्यापीठ आपका मेरठ में है, इसकी स्थापना 1965 में की गई।
नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय आपका फैजाबाद में, इसकी स्थापना 1974 में की गई। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लखनऊ में, इसकी स्थापना 2005 में की गई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद में है, इसकी स्थापना सन 2000 में की गई। ठीक है, तो शिक्षा से संबंधित एक टॉपिक था हमारा, इसी पे आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर्स दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव रूप में। ठीक है, इसी तरह से परीक्षाओं में भी आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं? तो याद रखना 4। क्या होगा ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की हुई थी? तो याद रखना बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। क्या होगा सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है तीसरा, उत्तर प्रदेश के एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखना इलाहाबाद में। क्या होगा बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन है 4, क्या है, भारतीय भाषाओं के संरक्षण एवं विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कहाँ स्थित है? तो यह आपकी इलाहाबाद में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 5, क्या है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया? तो याद रखना 1989 में। क्या है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 6वां, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो याद रखना सहारनपुर में। क्या है ये ऑप्शन सही है आपका। क्वेश्चन है 7, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो ये किया गया था 1972 में, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 8, उत्तर प्रदेश में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कब की गई? सन 2000 में। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 9, क्या है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र योजना कब शुरू की गई? तो ये की गई थी सन 2000-2001 में। ठीक है, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 10, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है? तो ये है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ठीक, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 11, उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज कौन सा है? तो याद रखना ये है आपका आगरा में, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 12, केंद्र की सहायता से उत्तर प्रदेश में मिड डे मील योजना कब शुरू की गई? तो याद रखना 12 में आपका 1995 है, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 13, क्या है, उत्तर प्रदेश शैक्षणिक अनुसंधान एवं विकास परिषद की स्थापना की गई? तो याद रखना 13 में आपका होगा ए, 1981 में। ठीक, क्वेश्चन है 14, उत्तर प्रदेश में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र अवस्थित है? तो याद रखना ये है आपका लखनऊ में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 15, चंद्रशेखर आज़ाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है? तो याद रखना ये आपका कानपुर में, क्या है सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 16, क्या है, 16, उत्तर प्रदेश में स्वतंत्रता से पूर्व कुल कितने विश्वविद्यालय थे? तो याद रखना है 5, ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 17, उत्तर प्रदेश में विविध शोध संस्थान है, निम्नलिखित में से कौन सा शोध संस्थान आगरा में स्थित है? तो इसमें याद रखिए एरिया डिलीवरी रिसर्च एंड डिफरेंस इंस्टीट्यूट, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 18, उत्तर प्रदेश में कंप्यूटर क्लास प्रोजेक्ट योजना शुरू की गई? तो याद रखना सन 2005 में। क्वेश्चन है आपका 19, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या है? तो याद रखना 4, 19 का सी है। क्वेश्चन है 20, उत्तर प्रदेश में पैरा टोपर्स ट्रेनिंग स्कूल किस नगर में स्थित है? तो ये आपका आगरा में, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 21, कल्प योजना संबंधित है? तो याद रखना प्राथमिक शिक्षा से, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है 22, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कहाँ कृषि विश्वविद्यालय है? तो याद रखना 22 में आपका होगा फैजाबाद, डी। क्वेश्चन है 23, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? 23 में आपका सी, चित्रकूट में, 23 का सी।
क्वेश्चन है आपका 24, क्या है? निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है, गलत है यानी कि, ठीक है? तो इसमें आपका 24 में केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में सही है, एरियल डिलीवरी डिलीवरी रिसर्च डिफरेंस इंस्टीट्यूट आगरा सही है, केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान वाराणसी ये भी सही है, इसमें होगा डी ऑप्शन गलत, पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान रामपुर में नहीं है, ठीक है? डी ऑप्शन है, क्या है? 24 का डी है, ठीक है? तो क्वेश्चन है 25, उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो याद रखना 25 में होगा आपका बी, लखनऊ में। क्वेश्चन है 26, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा संस्थान केंद्रीय नहीं है? तो याद रखना अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ ये है बी, काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय नहीं है इसमें, 26 में डी है। क्वेश्चन है 27, क्या है 27? उत्तर प्रदेश में ब्रिटिश शासकों द्वारा 1858 में किस कॉलेज के अंतर्गत आधुनिक शिक्षा व्यवस्था प्रारंभ की गई थी? तो याद रखना है 27 में सी होगा, मेयूर सेंट्रल कॉलेज इलाहाबाद में। क्वेश्चन 28, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई? तो याद रखना है इलाहाबाद में। क्वेश्चन है आपका 29, क्या है 29? विश्वविद्यालय है और ये स्थान है, ठीक? तो इसमें आपका 29 में होगा बी, क्या होगा 29 में? बी यानी कि संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय आपका वाराणसी, मैथिली शरण गुप्त विश्वविद्यालय झांसी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय आपका मेरठ, ज्योतिबा फुले ये आपका बरेली में, ठीक है? इसमें आपका बी होगा 29 में, ठीक है? क्वेश्चन है 30, उत्तर प्रदेश में जिला साक्षरता समिति के माध्यम से चलाए जा रहे संपूर्ण साक्षरता अभियान में किस आयु वर्ग के निरक्षरों को शामिल किया गया? तो याद रखना है आपका 30 में क्या होगा? डी, 15 से 35 वर्ष। क्वेश्चन है 31, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय अलीगढ़ की स्थापना कब की गई? तो याद रखना है 1921 में, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन है आपका 32, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर की स्थापना कब हुई? तो याद रखना 1987 में। क्वेश्चन है 33, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय 2005 में कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखना है ये था आपका लखनऊ में, 33 का डी है। क्वेश्चन 34, गौतम बुद्ध प्रौद्योगिकी विद्यालय लखनऊ की स्थापना कब हुई? तो याद रखना सन 2001 में। क्वेश्चन 35, सेंट्रल डायरेक्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका लखनऊ में। चलिए तो ये था आपका शिक्षा से संबंधित टॉपिक उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में। आगे हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको देखेंगे, ठीक है? सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा हमारा।